इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि स्मार्ट आर्ट कंटेंट यानी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में एंटर किया जाने वाला डाटा उसको हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं और इसके अलावा स्मार्ट आर्ट को खुद से कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है तो इसके अंदर हमने सीखना है स्मार्ट आर्ट के अंदर एक न्यू शेप ऐड करनी हो तो वो किस तरह से करेंगे या ऑलरेडी कोई शेप स्मार्ट आर्ट में मौजूद है उसे डिलीट करना हो तो वो कैसे की जाएगी और शेप्स को रीअरेंज कैसे किया जाता है तो अब हम स्मार्ट आर्ट की फ़र्दर मॉडिफ़िकेशन एंड फॉर्मेशन के ऊपर काम करेंगे इससे पहले हमने सीखा था कि स्मार्ट आर्ट ऐड किस तरह से किया जाता है तो लेट सपोज़ ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है इसके अंदर मुख्तलिफ़ स्मार्ट आर्ट ऐड किए गए हैं अब अगर मैंने किसी भी एक स्मार्ट आर्ट को एक्सेस करना है या मैं उस तक पहुंचना चाहता हूं तो उसका एक तरीका ये है कि आपने होम टैब के ऊपर क्लिक करना है और यहां पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि एडिटिंग के सेक्शन में आप आएंगे और यहां पे आपको फाइंड के सेक्शन में एक ऑप्शन नजर आता है गो टू का या इसके लिए आप एक शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल प्लस जी गो टू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने फाइंड एंड रिप्लेस की एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाती है जिसके अंदर मैंने गो टू टैब के ऊपर क्लिक करना है गो टू टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने सर्च करना है कि ग्राफिक्स कहाँ पे है अब यहाँ पे मुझे ग्राफिक का जो कैटेगरी है वो मुझे यहाँ पे मिल चुकी है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये सर्च आउट करेगा कि मेरे डॉक्यूमेंट में कहाँ पे आपने ग्राफिक्स ऐड किए हुए हैं तो उसने अब तक एक ग्राफिक एलिमेंट सर्च किया है लेकिन हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहते हमें जो ग्राफिक चाहिए वो एम्प्लॉज की लिस्ट है फॉर एग्जांपल तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिनको ग्राफिक्स स्मार्ट आर्ट की मदद से शो किया गया है अब हम इसको क्लोज कर देते हैं एक तरीका तो ये था कि हम इसको स्क्रोल करके भी फाइंड आउट कर सकते थे लेकिन उसमें हमारा ज़्यादा टाइम लग जाता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये एक ऑलरेडी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक ऐड हुआ हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन मिलेगी इस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का नाम है वर्टिकल कर्व्ड लिस्ट और इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास अगर नंबर ऑफ़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बढ़ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कहीं पे कोई स्पेस नहीं है जो कि उन आने वाले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनको भी यहाँ पे अकोमोडेट किया जाए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक का नाम एंटर करता हूँ और अब आप देखें कि जो मैंने एक न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम एंटर किया है वो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा इसी तरह आप इसके ऊपर क्लिक करें तो एक और हम यहाँ पे ऐड करते हैं न्यू मेंबर। वो भी आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो इस सूरत हाल में हमें अपने इस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक की मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी उसके लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके डिजाइन सेक्शन में आपने आ जाना है ये इसका डिज़ाइन सेक्शन है जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा जिसकी मदद से आप इस पूरे जो हमारे पास स्मार्ट आर्ट है इसका आप लेआउट चेंज कर सकते हैं चेंज लेआउट पे मैं क्लिक करूँगा तो आपके पास यही इन्फॉर्मेशन यही रहेगी लेकिन स्मार्ट आर्ट का जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास डिफरेंट लेआउट्स मौजूद हैं जिनको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और जिस भी लेआउट के ऊपर मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूं, तो वो उसको उस हिसाब से यहां पे आपको दिखाई दे रहा है तो अब लेट सपोज कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो अब आप देखें कि हमारे पास जिससे पहले लिस्ट थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की उसमें तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं आ रहे थे अब जब मैंने इसका लेआउट चेंज किया है इसका डिज़ाइन चेंज किया है तो आप देखें कि यहाँ पे आपको फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिटेल्स आ रही है उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्सथ उसके बाद जो मैंने एक न्यू बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर यहाँ पे ऐड किया था इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे वाजे हो जाए वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है और एक न्यू मैंबर आपने ऐड किया था वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है उसके साथ आप यहाँ पे क्लिक करके फर्दर मज़ीद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एड कर सकते हैं उसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से हम जूम्स का थोड़ा सा कम करना है और यहाँ पे आके आप फर्दर किसी को ऐड करना चाहते हैं तो जहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड करेंगे वहाँ पे वो उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी और उसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ज़्यादा तौर पे आपको वाज उस शख्स की इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी तो ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें अब आप देखें कि कितना क्लियरली यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये पिक्चर है और ये डायरेक्टर का नेम है तो यहाँ से आप लेआउट चेंज कर सकते हैं इसके अलावा आप अपने इस पूरे इसको सेलेक्ट करते हुए इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं अब आप देखें कि यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं जो कि आपको यहाँ पे दिए गए हैं एक कलरफुल थीम इसकी आती है जिसके अंदर हर शेप का एक डिफरेंट कलर होता है उसके साथ यहाँ पे कुछ और आपके पास हैं जैसे कि एक्सेंट वन एक्सेंट टू फोर फाइव सिक्स किसी भी एक को आप चूज करके वो आप कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी एक लेआउट कलर चूज करने के लिए कहा जा सकता है तो यहाँ से आपको पता चलता है कि एक्सेंट वन है एक्सेंट टू है थ्री है या फोर है यहां से हम इसको एक कलरफुल थीम दे देते हैं और इसके अलावा आप यहाँ पे इसके अंदर मजीद स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर आपके पास हत्या के थ्री स्टाइल्स भी मौजूद हैं इसके अगर आप देखें इनमें से किसी भी एक को मैं सेलेक्ट करूंगा तो देखें आपका ओवरऑल एक थ्री व्यू आपको यहाँ पे नजर आएगा जिससे आपका स्मार्ट आर्ट ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करके वापस डिजाइन सेक्शन पे आऊँगा तो हमने स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स लेआउट और कलर्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ लिया अब हम इस चीज़ के ऊपर जानेंगे अगर आपने कहीं पर एक न्यू शेप ऐड करनी है अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ और एक शेप मैंने सेलेक्ट की है और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है क्रिएट ग्राफिक के सेक्शन में ऐड शेप का इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो जहाँ पे मैंने क्लिक किया था इसके बाद इससे पहले आपके पास शेप ऐड करने का ऑप्शन मौजूद है तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐड शेप बिफोर करता हूँ तो एग्जैक्ट वैसी ही शेप उससे पहले यहाँ पर एक ऐड हो गई और इसी तरह अगर आ, अगर आप इसके बात करते हैं तो उसके बाद एक और शेप यहाँ पे ऐड होगी और यहाँ पे आप इसी तरह से इसका टेक्स्ट वग़ैरह जो है वो आप एडिट कर सकते हैं इसके अलावा आप इसके ऊपर क्लिक करके इसका जो डिज़ाइन सेक्शन है इसके क्रिएट ग्राफिक में आके आप कहीं पे भी स्क्रॉल या किसी भी ख़ास ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करना चाहें तो अगर आपके पास वर्टिकल लिस्ट होगी तो आप अपर और डाउन सेलेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं या अगर आप किसी भी एक यहाँ पे किसी भी एक शेप को आप प्रोमोट और डी कर सकते हैं प्रोमोट से मुराद ये है कि आप उसकी जो पोजीशन है वो उसका जो इनक्रीज़ कर सकते हैं उसका जो लेवल है सिलेक्शन का वो आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और इसी तरह डी का मतलब ये है कि आप सिलेक्टेड बुलेट या किसी भी एक ख़ास शेप को लोअर लेवल पे शो करना आना चाहते हैं तो आप उसको डी कर सकते हैं जैसे मैं आप पे मोट करता हूँ उसको तो आप देखें कि यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन अब आपको यहाँ पे शो हो रही है और अगर इसी को मैं सेलेक्ट करके फिर से डीमोट करता हूँ तो अब आप देखें कि ये आपको यहाँ पे बुलेट्स में शो हो रही है तो इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है राइट टू लेफ्ट का इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको ये पूरी जो आपकी लेआउट है उसका एक राइट right साइड का व्यू पेश करेगा यानी जो इन्फॉर्मेशन आपके लेफ्ट साइड पे थी वो सारी की सारी अब राइट साइड पे शो हो रही है और जो लेफ्ट साइड पे थी वो सारी राइट साइड पे शो हो रही है वापस अगर मैं इसको तंग करता हूँ तो वापस ये लेफ्ट टू तो राइट पोजीशन में आ जाएगा अब जैसा कि हमने इसके कलर और स्टाइल चेंज किए थे लेकिन अगर मैं इसको वापस इसकी ओरिजिनल शेप में लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है रीसेट ग्राफिक का इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो वापस ये फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा इसके अलावा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में जो मुख्तफ़ शेप्स इस्तेमाल की गई हैं क्योंकि एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक जो है मुख्तलिफ़ शेप्स के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है तो अगर आप किसी भी ख़ास शेप को सेलेक्ट करके उसके फॉर्मेट सेक्शन में आके आप उसको चेंज करना चाहें तो वो आप बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं देखें जैसे मैंने एक ख़ास शेप का जो कलर था वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया इसी तरह डिफरेंट इफ़ेक्ट्स और कलर्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं फॉर्मेट सेक्शन में जाके तो हमारा जो ज़्यादा फोकस था वो डिज़ाइन सेक्शन में था और उसमें हमने देखा कि हम एक न्यू शेप कैसे ऐड करते हैं लेआउट कैसे चेंज करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस को हमने इसके अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्मार्ट आर्ट ऐड करने के बाद उसका कंटेंट कैसे मॉडिफाई करते हैं